While we welcome you to the Golden Beach, we also reiterate that you are not allowed inside the beach without the face mask. Hey, कैसे सब? तो सबको चैनल में स्वागत है। तो आज हम हैं यहाँ पूरी में। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे एक बीच जो कि मतलब रेडी हो रहा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, गोल्डन बीच। तो अभी मंदिर में हैं, बहुत दिनों के बाद पूरी आए हुए हैं, तो थोड़ा बाहर से दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे गोल्डन बीच। तो मंदिर अभी फ़िलहाल बंद है, तो बाहर से दर्शन करना पड़ेगा। तो अभी मतलब आज 27 सितंबर, तो आज अनाउंसमेंट हुआ है कि अक्टूबर से शायद खुल सकता है मंदिर, लेकिन सारे टूरिस्ट प्लेस तो खुल जाएंगे, लेकिन मंदिर खुलेगा या नहीं ये मंदिर का अथॉरिटी डिसाइड करेंगे। उसके बाद शायद खुल जाएगा, चलो खुलेगा तो अच्छा है, तो फिर खुलेगा तो हम लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत दिन हो गया मतलब जगह का दर्शन नहीं हो पाया है। तो वैसे मतलब मार्च से ही बंद है, देखते हैं कब खुलता है, खुलेगा तो जाएंगे दर्शन। तो हमने पार्किंग कर लिया है, पार्किंग के लिए बहुत ही बड़ा एरिया है, और यहाँ पे मतलब पार्किंग आवरली बेसिस पे होता है। जैसे हो गया आपका टू व्हीलर के लिए, पहले 2 आवर्स के लिए लगता है 10 रुपीज़, और उसके बाद 2 से 6 घंटे के लिए लगता है 20 रुपीज़, और पूरा 12 घंटे के लिए लगता है 40। और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए लगता है वैसे ही, पहले 2 आवर्स के लिए लगता है 20, और उसके बाद 2 से 6 घंटे के लिए लगता है 40, 6 घंटे से 12 घंटे के लिए लगता है 80 रुपीज़। और उससे बड़ा वाला जैसे ट्रावेरा जैसे हो गया 20 सीटेड, वो सब के लिए लगता है 40 से शुरू होता है, 40, 80 और 160। तो अभी हम जाएंगे वो टिकट एंट्री करने के लिए अंदर, पहले टिकट करते हैं उसके बाद देखते हैं उसका क्या क्या प्राइसेस है, कि उस बताते हैं एंट्री करने के बाद। एंट्री हमने कर लिया है, एंट्री करने के लिए यहाँ पे 4 कैटेगरी का टिकट मिलता है। एक हो गया आपका डॉल्फिन, ऑयस्टर, प्लास और सेल। और ये जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन का टिकट प्राइस है 20 रुपीज़, और इसका वैलिडिटी है मतलब 3 आवर के लिए। और एक हो गया ऑयस्टर, ऑयस्टर का प्राइस है 300 रुपीज़, जो कि मंथली वैलिडिटी, मंथली पास है इसका, मतलब पर डे 3 आवर के लिए 1 मंथ के लिए आ सकते हैं 300 रुपीज़ में। और एक दूसरा है प्लास, प्लास इज़ मेड ओनली फॉर द डिस्ट्रिक्ट पीपल, जो मतलब पूरी के लोग हैं वही लोगों के लिए, होल डे के लिए ये 50 रुपीज़ में मतलब पूरा दिन घूम सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट का आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा मतलब उस प्लास का टिकट। और एक लास्ट में जो आता है वो है सेल, जो कि जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, ये पूरा होल डे के लिए ये हो गया। बाकी मतलब जो टूरिस्ट है मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट से के बाहर से जो आते हैं उन लोगों के लिए ये है, मतलब 100 रुपीज़ में पूरा दिन घूम सकते हैं बीच के अंदर। यही सब है टिकट प्राइस। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं बीच में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और क्यों ये मतलब सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या करता है वो देखेंगे। Go on, this is this.
सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और ये डेली खुला रहता है। और अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, जैसे प्लास्टिक आइटम्स हो गए, पानी का बोतल भी अलाउड नहीं है। तो ये बीच गांधी पार्क से लेकर मेफेयर होटल तक फैला हुआ है। ये टोटल 900 मीटर लेंथ है इसका, और ये मतलब इतना नीट एंड क्लीन और इतना सजाया गया है इसलिए क्योंकि ये तैयारी कर रहा है अपने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने के लिए। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट FEE क्या है? FEE है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये प्रोवाइड करता है ब्लू बीच सर्टिफिकेशन। अगर ब्लू बीच सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर ये इंटरनेशनली एक मतलब सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको कि आपका बीच इंटरनेशनल लेवल का है, और उसका एडवर्टाइजमेंट वही FEE करेगा और अच्छे बीचों में रेकमेंड करेगा इस जगह को, अगर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाता है इसको। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने के लिए कुछ उसका 33 क्राइटेरिया है, तो वही फुलफिल करना पड़ेगा 33। तो उनमें से 4-5 जो कि बहुत मेन क्राइटेरिया है वो हो गया, एक हो गया जो कि बीच का बाथिंग वाटर का पानी, जो मतलब नहाने के लिए पानी वो नहाने लायक है, मतलब होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और एक हो गया जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, उन लोगों के लिए भी फैसिलिटी होना चाहिए ताकि वो लोग आके भी मतलब बीच में घूम सके और नहा सके। और सोलर लाइट का सिस्टम होना चाहिए, और यहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल्स में होना चाहिए साइन बोर्ड्स, और सारे फैसिलिटीज होना चाहिए। और इसीलिए पूरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह, और पूरा मतलब बालू भी पूरा साफ है। इंडिया में 8 बीचों को रिकमेंड किया गया है ब्लू बीच सर्टिफिकेट के लिए, और ये शायद अक्टूबर में अनाउंसमेंट होगा किसको मिलेगा ब्लू बीच सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे एक ब्लू फ्लैग लहराते दिखेगा आप लोगों को। पीछे बहुत जगह पर पूरा ग्रीनरी किया गया है, बीच के ऊपर हरियाली लाया गया है, मतलब बीच को जो सूट करता है उस टाइप का पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे। और पीछे वहाँ पे लगाया गया है घास तो नहीं, मतलब एक वही उसी टाइप का एक पेड़ जो कि पूरा मतलब बहुत ज़्यादा जगह फैला हुआ है। I'm happy.